नाम दिए थे। तुम्हारा सर भी होना चाहिए ना सर, एक फोटो है। इसके मामले में कंफ्यूजन है ना जी? तो कंफ्यूजन क्या है? अभी हमारे सर जी कहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर व्यक्ति वही होता है जो इन्वेस्टर होता है। टोटल मोटो कहने का मतलब यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर व्यक्ति और खुशहाल व्यक्ति कौन होता है? जो इन्वेस्टर होता है। लेकिन इन्वेस्टर के पास एक बहुत बड़ी बैकग्राउंड होती है, वो भी आपको सहन करना होगा। वो क्या है कि अगर फायदे लेने के लिए हकदार है तो जोखिम उठाने का भी हकदार आदमी को करता है। जोखिम भी आप ही उठाएंगे, और जो जोखिम नहीं उठाएगा तो अपने भाषण में मैं कहता हूं कि हाथी का मार हाथी ही सहता है और गधे का लाभ गधा ही सहता है। अब आप इन्वेस्टमेंट के मामले पर थोड़ा सा नजर दौड़ाएंगे। मैं ज्यादा समय के लिए मेहमान नहीं हुआ मंच पर, बहुत कम समय के लिए, लेकिन गागर में सागर भरने का मैं काम करूंगा। आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ी सी कड़ी मैं जोड़ूंगा सर। प्रोडक्ट पर आने से पहले मैं थोड़ी सी कड़ी उसे जोड़ूंगा जो अधूरे रह गए होंगे। हालांकि सर जो आप बोले हैं पूर्ण परिपूर्ण है, उसमें अधूरा है नहीं, लेकिन कड़ी जोड़ी जाती है। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट करने के पीछे जो है, एक तो आप टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे सर। अभी सर जी बोले हैं टाइम इज मनी, टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे, पहला विकल्प है आपके साथ। और दूसरा विकल्प है या तो मनी ही इन्वेस्टमेंट करें। इसमें से आप जो है इस चीज से आप ताकतवर हैं, याद दीजिएगा ये दोनों जो है प्रतिक्रम है, व्युत्क्रम है। जिसके पास पैसा है उसके पास समय नहीं है, और जिसके पास समय है उसके पास पैसा नहीं है। व्युत्क्रम है, उल्टा है। अभी आपके पास कौन से किस चीज के धनी व्यक्ति हैं? टाइम के धनी व्यक्ति हैं, मनी के व्यक्ति नहीं है। इसी के कारण है कि आप जो है ई और यस से कन्वर्ट होना चाहते हैं बी और आई, लेफ्ट से राइट राइट में कन्वर्ट होना चाहते हैं। आपका मेन मोटो क्या है? मनी। मनी इसका मतलब है कि मनी का उल्टा क्या है? टाइम। तो टाइम आप उल्टा बीज में चल रहे हैं, यानी दुनिया आर्थिक जगत की तरफ रफ्तार लगा रही है तो आप समय की दुनिया में रफ्तार लगा करके पीछे पड़ गए। आपके पास धनी है समय, समय के धनी है, मगर आपके पास पैसे के अभाव है। तो हम हाँ क्या करें, इसी को उल्टा कर, क्या कर देंगे? उल्टा कर। उल्टा कैसे करेंगे? अब दवा पर ही चलेंगे। यहां पर एक किताब जो है आती है वर्क हेजेस की, अमेरिका का वो भी लेखक व्यक्ति है, कॉपी कट मार्केटिंग। आप क्या कर रहे हैं कि यस बराबर उसका होता है पर डे, आप जो है एवरेज की जिंदगी जीते हैं सर। क्या जीते हैं? एवरेज। आज आप 1,000 रुपया कमाए, कल 800 रुपया कमाए, अब परसों 1,200 रुपया कमाए, अब चौथा रोज 1,500 रुपया कमाए, और पांचवें रोज 500 रुपया। टोटल एवरेज कितनी गई सर? 1,000 रुपए। आपने समय कितना दिया? 8 घंटे का, और पूरे महीने में एवरेज और पूरा गणित में जोड़ करके हम लोग जब सांख्यिकी का हम लोग जब अध्याय करते थे हाई स्कूल में, तो हमारे ब्रह्मचारी मास्टर साहब मैथ पढ़ाते थे, तो कहते थे कि लेखा जोखा था है और गधा डूबल का है। एक नदी था, वो नदिया में जो है गधा के बराबर एक जगह गढ़ा था, पूरा गड्ढा था,
तो वो जो है नापने वाला इंजीनियर ने नाप दिया कि एवरेज निकाल दिया कितने गड्ढे में जो है इसकी हाइट और गहराई इतनी है, तो मेरा गधा भी जो है उसमें जा सकता है। अब जब वहां पूरा गड्ढा था वो गधा जाकर उसी में डूब गया। इंजीनियर लगा पता लगाने कि एवरेस्ट तो इतना ही था तो गधावा डूब कैसे गया। तो गलती भी हमसे भी कहीं स्टेप और मिस्टेक दोनों होती है, स्टेप और मिस्टेक दोनों होती है। तो एवरेस्ट पर कभी नहीं जाना, आपको कहां जाना है लिवरेस्ट पर। कहां जाना है सर? लिवरेस्ट। क्या करेंगे आपके पास जब बिजनेस को शुरुआत करते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही चीज है कि हमारे पास बल और ताकत भी यही है। अब जब ये है तो हम इसी को रुपया मान लेंगे। कितना मान लेंगे? 100 रुपया। टी बराबर कितना हो गया? 100 रुपया है, हम ज्यादा नहीं माने। नहीं गड़बड़ मामला ज्यादा हो जाएगा तो पैकेट भी फटने लगेगा। तो 100 रुपया ही अगर मान ले तो हम पहले दिन जब शुरुआत किए सर एक ही घंटा टाइम दिए, एक घंटा तो एक खाता अंक बढ़ेगा सर। पहला दिन एक घंटा आपके पास कितना आया? एक प्रोडक्ट बेचे, एक प्रोडक्ट बेच दिए पायलट, 200 रुपया कंपनी का दाम गया, बचा कितना? 200 रुपया में 100 रुपया पेट्रोल का गया, दिन भर चाय का बचा, परिवार के लिए जो बचत के रूप में आया कितना? 100। एक ही बात, थोड़ा सा ही काम, हम नहीं करें खूब ज्यादा करें लेकिन समझदारी से कम करें, काम करिए खूब घबरा करें लेकिन समझदारी, क्योंकि बूढ़े गरीब ज्यादा होते हैं। दूसरे दिन आपने या व्यक्ति जब 24 घंटा में उसका बवासीर का दर्द खत्म होगा तो तीसरा व्यक्ति पूछेगा उसे, भाई कल तो तू नहीं होते चल रहा था, छुक के चल रहा था, तुम्हारा ये दाया हाथ पीछे के कमर पर लगा रहा था, आज क्या बात है? तो फ्लाज सर जो है, अशोक सर जो है, एक डब्बा दे दिए हैं, दो ही खुराक मारे हैं सुबह और शाम को, थोड़ा दर्द बेटा है भाई, हमको भी है थोड़ा, हमको भी मिलवा दो। बेचारा दो आदमी को भेज, क्या किया? दो आदमी को भेज, तो इसमें से बचत कितना हो गया सर? 200। दो घातांकी में गया, क्योंकि ये दो घातांकी 1000 रुपए में बदलेगा, क्यों बदलेगा? 3 दिन, अब चुप हो जाइए, 3 दिन में बदल जाएगा टोमेटो, क्योंकि 6-7 लोग जो है वो पायलट लेने के लिए आ जाए, इसलिए सर कहते हैं कि हम उत्पाद नहीं विश्वास बेचते हैं, एक बार विश्वास कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम विश्वास कैसे बेचा जाता है, क्योंकि आने वाले इसके पहले बहुत सारी कंपनियों ने विश्वास को ही व्यवसाय बना दिया था और उसमें लोगों को ही फंसा फंसा करके लूटने का काम किए हैं, इसलिए जो है लोगों का भरोसा जो है खत्म हो गया है। वो नेटवर्क मार्केटिंग का मामला नहीं है, वो टर्नओवर का मामला है। इसलिए दूसरा नारा सर कहते हैं कि हम दवाई नहीं इलाज बेचते, फाइनल इलाज का मतलब क्या होता है? फाइनल रिजल्ट, हमने काम किया और आपको काम हो गए, अहा के हम दवा देते रहे और जीवन भर देते रहे तो दवाइयां नहीं बेचे, दवा नहीं बेचे, हम टर्नओवर किए, आपके मजबूरी का हमने व्यवसाय ही बना दिया, हमने आपको रिजल्ट नहीं देने की कोशिश की, इसलिए हम क्या करते हैं? इलाज बेचते हैं, फाइनल रिजल्ट बेचते हैं। एक बार टच में आएंगे आप बीमार से मुक्त होंगे, तीसरे दिन आप हल्ला करना शुरू कर देंगे, वाकई में कंपनी है, वाकई में कंपनी है, ऐसा ही नहीं है सर? जी सर। नहीं तो 1 महीना में 95,000 रुपया सर बोले हैं, कहीं नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में कोई भी कितना भी बड़ा भारतवर्ष में काम किया हो 1 महीने में 95,000 रुपए का पे आउट दिया होगा क्या? नहीं सुने होंगे, नहीं। चमत्कार तो है, तो प्रोडक्ट अगर चमत्कार दिया है
तो आपका रिजल्ट भी चमत्कार देगा और आपका पे आउट भी चमत्कार ही देगा। अब इस बार आगे नहीं जाते जाएंगे सर।